अस्सलाम वालेकुम जूनियर टू। बेटा आफ्टर ईद वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप यू हैव इंजॉयड योर ईद। नाउ लेट स्टार्ट आर रीडिंग। सो ओपन योर राइट ट्रैक इंग्लिश ए पेज नंबर 108। टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू टॉपिक यूनिट नंबर 11 द रेनबो फेरीज। बेटा इट्स अ पोएम। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट्स रीडिंग लेट्स टॉक अबाउट इट्स वर्ड बैंक। वर्ड बैंक की तरफ वर्ड मीनिंग्स की तरफ आते हैं। नंबर वन इज बम्प्ड। बम्प्ड क्रैश्ड अगेंस्ट ईच अदर। बम्प्ड होता है बेटा एक दूसरे के साथ टकराना। फोक, फोक मीन्स फ्रेंड दोस्त। नंबर थर्ड वाइप। वाइप होता है टू क्लीन और ड्राई। बेटा वाइप होता है क्लीन साफ करना, ड्राई या खुश्क करना। सन बीम्स रेज ऑफ सनलाइट। रेज कहते हैं शुआओं को, सनलाइट सूरज की। तो सन बीम्स मीम सूरज की शुआएं, सूरज की किरने। नाउ कम टू द इट्स रीडिंग पार्ट। लेट अस रिसाइट दिस पोएम अबाउट द रेनबो फेरीज। बेटा ये जो पोएम है इट्स रिलेटेड अबाउट रेनबो। ये रेनबो से रिलेटेड है, रिलेट कर रही है। नाउ लेट स्टार्ट इट्स रीडिंग। टू लिटल क्लाउड्स वन समर्स डे। ठीक है, वो कहते हैं टू लिटल क्लाउड्स दो छोटे बादल वन समर्स डे गर्मियों के एक दिन में वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई। वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई आसमान पर जो है वो फ्लाई कर रहे थे। दे वेंट सो फास्ट वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे। दे बम्प्ड तेज़ चल रहे थे। दे बम्प्ड दियर हेड्स। बम्प्ड होता है टकराना। वो बेटा अपने सरों को एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। एंड बोथ बिगेन टू क्राई और फिर क्या कर रहे थे उन्होंने अपने सरों को जो है वो उसके साथ टकराया। एंड बोथ बिगेन टू क्राई और रोना शुरू कर दिया। मिस्टर सन लुक्ड आउट एंड सेड। मिस्टर सन अब देखें सन जो है सूरज ने उनको देखा एंड सेड और बोला ओह नेवर माइंड कोई बात नहीं। माई डियर्स मेरे प्यारों आई विल सेंड माई लिटल फेरी फोक टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स। अब वो कहते हैं कि आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फोक कि मैं अपनी छोटी जो है वो परी जो मेरी फोक दोस्त फेरी जो है वो परी छोटी परी को जो मेरी दोस्त है उसको भेजता हूँ टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स जो आपके गिरते हुए फॉलिंग टीयर्स गिरते हुए आंसू जो है ड्राई करेगी यानी साफ करेगी। सो बेटा इट्स योर होमवर्क to learn these words meaning and again you have to revise this reading. Take care. Allah Hafiz.